हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सर। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक स्ट्रीम मॉडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए ट्रैफिक स्ट्रीम मॉडल क्या है। ट्रैफिक स्ट्रीम मॉडल से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रोड का डिजाइन कैपेसिटी निकालते हैं या फिर ट्रैफिक वॉल्यूम कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक, तो हमारे पास तीन चार मॉडल है, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे पास पहला मॉडल है ग्रीन शील्ड मॉडल। ठीक है, ग्रीन शील्ड मॉडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्पीड डेंसिटी मॉडल। मीन्स लीनियर स्पीड डेंसिटी, स्पीड और डेंसिटी के बीच में लीनियरली रिलेशन है, लीनियरली रिलेशन है। ठीक है, देखिए इस फिगर से समझिए, इस ग्राफ से। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी है। वाई स्पीड में क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल्स है। ठीक है, तो इस लाइन को आप देखिए, ये जो हमारा लाइन शो कर रहा है क्या है, लीनियर है। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे हम लोग क्या क्या कि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, जो रोड का या फिर व्हीकल्स का जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर स्पीड डेंसिटी मॉडल। ये हम लोगों को किसने दिया था, ग्रीन शील्ड ने। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या, ग्रीन शील्ड मॉडल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग के पास क्या है, KM क्या है, मैक्सिमम और जैम डेंसिटी। ये हमारे पास मैक्सिमम कहाँ, देखिए इस ग्राफ, ये ग्राफ है कि कितना स्पीड से चल रहा है, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, KM जब यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे स्पीड वाई एक्सिस में देखिए क्या हमारे पास हो जाएगा, 0 KM मैक्सिमम और स्पीड 0। और VM क्या है, डिजाइन स्पीड और फ्री फ्लो स्पीड और यू कैन से फ्री मीन स्पीड। देखिए फ्री मीन स्पीड कब होगा, जब हमारे पास के 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्री मीन स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल चल रहा है रोड पे, एट दिस टाइम के विल बी 0। यहाँ से आप समझिए KM इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या रोड है। ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया रोड में। ठीक है, ये क्या है, कोई ऑब्स्टेकल है जिसके कारण से क्या रोड में जैम लग गया। तो 1 किलोमीटर लेंथ में जो व्हीकल्स जैम लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैम डेंसिटी। 1 किलोमीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, के मैक्स, दैट इज जैम डेंसिटी और मैक्सिमम ट्रैफिक डेंसिटी विल डिनोट इट एट KM। ठीक है, और अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक रोड है, रोड क्या है पूरा खाली है, तो ये जो व्हीकल्स है जो चल रहा है वो क्या मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा रोड जो है खाली है, और ये इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिजाइन स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फ्लो कंडीशन। तो फ्री फ्लो कंडीशन में क्या होता है, V इज इक्वल टू V मैक्स डिजाइन स्पीड से, और जैम कंडीशन में K विकम K मैक्स। ठीक है, दैट इज जैम कंडीशन। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम से समझिए, इस डायग्राम से क्या है, ये थीटा क्या है निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई के एम। ये हमारे पास थीटा निकालना है, क्या है ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू हाउ मच, वी एम है। ठीक, दिस बेस वैल्यू हाउ मच, के एम, वी एम बाय के एम। सेम हो जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वी यहाँ से यहाँ और बेस यहाँ से यहाँ निकालेंगे, क्या के एम माइनस, ये पूरा के एम है, इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया है KM माइनस K। अब इन दोनों को रिलेट करेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VM बाई KM इंटू KM माइनस K, और यहां से KM को अंदर ले गया डिवाइड किया, तो V इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या, VM इंटू 1 माइनस K अपॉन KM। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि इतना हम लोग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी रोड का डिजाइन कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप से। ठीक है, डिजाइन कैपेसिटी क्यों निकालना है और क्यों कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए 1 पर्टिकुलर स्पीड V और VM और K और KM, मीन्स VM क्या है फ्री फ्लो स्पीड, KM क्या है जैम कंडीशन और जैम डेंसिटी, K कॉरस्पॉन्डिंग टू V। ठीक है, ये दोनों के बीच में हम लोग का रिलेशन आ गया। अगर कोई भी स्पीड वी दिया हुआ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी के निकाल सकते हैं, और अगर कोई भी के दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड वी निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट।
तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है Q, तो Q इज इक्वल टू के इंटू वी होता है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि K कब मैक्सिमम हो रहा है, V कब मैक्सिमम हो रहा है, तो उसको हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्राफ है फ्लो वर्सेस डेंसिटी का, ठीक है। तो फ्लो वर्सेस डेंसिटी का जो ग्राफ है ये पैराबोलिक होता है, ठीक है। और पैराबोलिक में देखिए ये K मैक्सिमम कब हो रहा है, सॉरी यहाँ पे फ्लो फ्लो मैक्सिमम कब है, जब के हाफ है, Km/2। यहाँ पे क्या है, ये Km है मैक्स जेम कंडीशन, और Km/2 जब है तब जाके हमारे पास क्या फ्लो मैक्सिमम हो रहा है। तो हम लोग को वही मैक्सिमम Qm निकालना है। पहला केस हो गया जब Km/2 होगा तब जाके Q मैक्सिमम होगा। सेकेंड कंडीशन फ्लो वर्सेस स्पीड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्री मीन स्पीड मैक्सिमम स्पीड है Vm, तब क्या है फ्लो कब अकर हो रहा है, इसमें भी ये हमारा क्या पैराबोला है, जब Vm/2, Vm/2 मीन्स फ्री मीन स्पीड का हाफ जब हो रहा है तब हमारे पास क्या Q हो रहा है। मीन्स Qm कब हो रहा है, जब K become Km/2 एंड V become Vm/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है Q इक्वल टू क्या होता है, K into V, ठीक है। K के जगह पर क्या Km/2, V के जगह पर क्या Vm/2। तो कैपेसिटी और मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम एज पर द ग्रीन शील्ड मॉडल हम लोग का कैसे क्या आ जाएगा, Qmax इक्वल टू Km/2 into Vm/2। ये हमारे पास क्या है ट्रैफिक मैक्सिमम वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ रोड, ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रीन शील्ड मॉडल, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सेम डायरेक्टली ये फॉर्मूला Qmax इक्वल टू Km/2 into Vm/2 डायरेक्टली गेट 2019 में 1 मार्क्स के लिए पूछा था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब देखिए क्या है, द एबव इक्वेशन कैन बी यूज ओनली फॉर ग्रीन शील्ड लीनियर स्पीड डेंसिटी मॉडल इफ नथिंग इज गिवन और स्पेसिफाइड, कंसिडर Qmax इक्वल टू 1000 V/s min, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या ग्रीन शील्ड लिनियर स्पीड डेंसिटी मॉडल रहेगा तभी निकालेंगे, ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग क्या क्यू मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, क्यू मैक्स 1000 V/s min से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए द स्पीड एंड डेंसिटी आर लिनियरली रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है बोल दिया है कि ये क्या है लिनियरली रिलेटेड है, ठीक है। द फ्री फ्लो स्पीड मीन्स मैक्सिमम स्पीड दैट इज Vm, ठीक है। तो Vm एंड जेम डेंसिटी मीन्स Km आर वी 80 km/h एंड 100 vehicle per km। द ट्रैफिक फ्लो व्हीकल पर आवर अप टू 1 decimal places कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पीड ऑफ 40 km/h इज। तो देखिए हमारे पास क्या है क्यू पूछा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वी मीन्स स्पीड ऑफ 40 km/h पे, ठीक है, ये पूछा है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, Vm दिया हुआ है 80 km/h, Km दिया हुआ है 100 vehicle per km, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले इस ग्राफ मैंने प्लॉट किया हूँ, एक्स एक्सिस में के, वाई एक्सिस में वी। तो यहाँ पे क्या Km दिया हुआ है, Km मैक्सिमम कितना दिया हुआ है हमारे पास 100, मैक्सिमम स्पीड Vm दिया हुआ है हमारे पास 80। अब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पीड ऑफ वी 40 वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट के, राइट। तो हम लोग के कैसे निकालेंगे, बेस्ड ऑन दिस थीटा वैल्यू से, थीटा इजकल टू 10 थीटा करके, 10 थीटा इजकल टू Vm/k मीन्स दिस वन इक्वल्स टू हम लोग क्या दिस वन, ये हमारे पास कितना है 40, और दिस वन कितना है दिस वन माइनस दिस वन, तो दिस वन क्या है Km माइनस ये कितना है Km माइनस के, यहाँ से Vm इजकल टू 80 पुट किया मैंने, Km इजकल टू 100, 40 का 40 पुट किया, Km का इजकल टू 100 माइनस के, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया के का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। जब के का वैल्यू निकाल लिया तो ट्रैफिक फ्लो हमारे पास क्या होता है क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है।
तो q इक्वल टू हमारे पास k, हमारे पास आ गया कितना यहाँ से 50, और v कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ हमारे पास जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पे निकालना है 40, तो q इक्वल टू 2000 पर व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी एम इंटू 1 माइनस के अपॉन के एम। यहाँ पे वी दिया हुआ था 40, वी एम हमारे पास दिया हुआ है क्या 80, 1 माइनस के, और के एम दिया हुआ हमारे पास क्या 100। तो यहाँ से भी के जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50, वही हम लोगों ने यहाँ पुट किया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या ट्रैफिक वॉल्यूम निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट था गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रीनबर्ग मॉडल एंड नेक्स्ट मॉडल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है।